सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से हनुमान जी की ये वाली पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने वाला हूँ। एंड प्लीज़ कोई भी ये मत कहना कि किसी आर्टिस्ट का आपने कॉपी किया है, क्योंकि मैं भी चाहता था इस हनुमान जी का, मतलब ये वाला पोर्ट्रेट मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और मैं इसको कलरफुल में बनाने वाला हूँ। तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। और बाय द वे, मैं इसको ग्रिड मेकर से बना रहा हूँ, ग्रिड मेथड से बना रहा हूँ। एंड आप लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ पेपर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेपर A3 साइज का ब्रूस्टो वाली 200 GSM वाली पेपर को यूज़ कर रहा हूँ, ब्रूस्टो वाली, ठीक है। एक 30 सेमी का स्केल चाहिए। एंड वहाँ पे आप लोग को क्या करना है ना पेपर में, कि चारों साइड में 3-3 सेमी छोड़ करके मार्क करना है एंड जितने भी लाइन्स है सबको मैच करना है। सिंपली वही प्रोसेस है गाइस जो भी आप लोग पहले करते थे, और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो लोग मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं किस तरीके से ग्रिड को ड्रॉ किया जाता है। बाय द वे, मैं इस वीडियो में भी दिखा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो नाउ एंजॉय दी वीडियो, मैं किस तरीके से ग्रिड बना रहा हूँ वो अभी आप लोग ध्यान से देखो। तो अभी आप लोग को 3-3 सेमी छोड़ करके चारों साइड में मार्क करना है। एंड देन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चारों पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपने मार्क करे सबको एक तरीके से मैच कर देना है एंड एक ग्रिड का फॉर्मेशन करना है। यही प्रोसेस आप लोग को करना है। एंड देन आप लोग को नंबरिंग करना है, आपका ग्रिड फिर तैयार हो जाएगा। तो गाइज़ यार, अभी आप लोग को ऑब्जर्व करना है कि हमें ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करना है। तो लाइक मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर आईब्रो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे आईब्रो कौन से लाइन पे है, तो यहाँ पे ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे तो ये है 4 पे। यहाँ पे आप लोग देखो ये है 4 पे, ऊपर से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमें चाहिए साइड से क्या, यानी वर्टिकली हमें चाहिए कितना, वर्टिकली हमें चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पे हमें, यानी 6 के सामने, आप लोग देखो 6 के सामने ही ये आ रहा है ब्रो। यानी कि पहले हम लोग को वर्टिकली चलना है, पहले हम लोग वर्टिकली चलते हैं, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया था। अब इधर से हम लोग का कितना आया था, 4 आया था ना, तो 6 से ही हम लोग 4 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हमारा जो ड्राइंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, और आप लोग भी बनाओ साथ में यार। तो चलो फिर एंजॉय द वीडियो।
तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गई होगी किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना है। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट कलरिंग पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।